उत्तर प्रदेश की भदोही पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए जाने के बाद ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा जिला पंचायत भवन में मीडिया से मुखातिब हुए। यहां प्रेस वार्ता कर विधायक ने अपने ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को बसपाइयों की जुगलबंदी की साजिश का नतीजा बताया। साथ ही खुलासा किया कि बसपा के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, राकेश धर त्रिपाठी, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे और विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी षड्यंत्र के जनक हैं और इनके द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर बसपा सरकार की मानसिकता रखने वाले कुछ अधिकारियों के साथ यह साजिश रची गई। विधायक ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि उनके साथ ज्यादती हुई तो वह जान दे देंगे। जिला पंचायत भवन में विधायक विजय मिश्रा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का कथन है कि वायरल ऑडियो मैंने स्वतः संज्ञान लिया है। यह ऑडियो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल पुराना है? क्या मेरी वॉइस टेस्टिंग कराई गई? कैसे पता कि यह मेरी आवाज है? यह सब विरोधियों की साजिश है। निर्दल निषाद पार्टी से ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा का कहना है कि ब्राह्मणों का नेता होने की वजह से विरोधी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। विधायक ने भदोही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भदोही में असंवैधानिक रूप से 3 सालों से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था और उसमें गोवध भी किया जा रहा था, लेकिन भदोही पुलिस द्वारा इतने दिनों तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। विधायक विजय मिश्रा का आरोप है कि यहाँ की सम्मानित जनता को थाने में परेशान किया जाता है और पैसे लेकर अवैध मुकदमों में उन्हें फंसाया जाता है। दावा है कि अवैध वसूली की शिकायत डीजीपी से भी की जा चुकी है। विधायक ने कहा कि जनपद ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन किसी भी एक थाने पर ब्राह्मण थानाध्यक्ष और ब्राह्मण क्षेत्राधिकारी नहीं है। यहां तक एडिशनल एसपी भी ब्राह्मण नहीं है। इसके अलावा भी विधायक मिश्रा ने अपनी सफाई देते हुए कई अन्य आरोप लगाए हैं। वहाँ बसपा का सरकार था, एडीजी महोदय बहुत अच्छे अफसर है, लेकिन वहाँ एसएसपी अपने डीआईजी थे इलाहाबाद, ये मालूम है ना आप लोगों को। उसी समय नंदगोपाल नंदी में, जिसका कोई मेरा मतलब नहीं था, जिसको अभी मेरा ख्याल है जहाँ तक जानकारी अमित शाह ने आई बी राह से भी जांच कराया, पूरी क्लीन चिट मिली, कोई मतलब नहीं, जिसमें बेल में माननीय उच्च न्यायालय के जज ने लिखा 120 पर चार्ज इनको फ्रेम नहीं होता और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी। और उसके बाद वही एडीजी है, वही के मंत्री राकेश धर, वही के मंत्री आनंद तिवारी, जनमत न्यूज़ भदोही।